चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले सामने आए, 4 की मौत, केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस दिखे। WHO ने कहा एक महीने में संक्रमण 52% बढ़ा है। 25 जनवरी को अलीगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, संगठन ने शुरू की तैयारियां। PNB ने जनवरी में दूसरी बार FD पर ब्याज दरें बढ़ाई, 300 दिनों में फिक्स डिपॉजिट पर 0.80% से ज्यादा ब्याज दर मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा से इंडिया गठबंधन को मिलेगा 5 मौका, राहुल गांधी बोले। इंग्लैंड इंडिया सीरीज पहले 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम घोषित, विकेट कीपर ध्रुव जुरेल और प्रेसर अवेस खान को मौका, इंजर्ड से बाहर हुए मोहम्मद शमी। BCB प्रेसिडेंट का पद छोड़ेंगे नजमुल्ला हसन, बांग्लादेश में चुनाव जीतने के बाद खेल मंत्रालय संभालेंगे, 2012 से थे BCB चीफ। असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल 6 दिसंबर को सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने के बाद आपराधिक कृत्य के बारे में कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, बोले बाद में परिवार के साथ आऊंगा। 2016 में गायब हुए AIF विमान, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी नहीं खोज सका, उसका मलबा अब अचानक मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मेरा मूल गोत्र ब्राह्मण गोत्र है और मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने OBC समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी, सोशल मीडिया पर लिखा 55 साल का पुराना रिश्ता खत्म, आज शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। जियो और एयरटेल के करोड़ों यूजर को लगा तगड़ा झटका, 5G स्पीड के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे, जियो और एयरटेल का रिचार्ज होगा महंगा, अनलिमिटेड 5G डाटा फ्री ऑफर भी होगा खत्म। स्कूल के केमिस्ट्री लैब में हादसा, गैस लीक से प्रैक्टिकल कर रहे 2 दर्जन छात्राएं अचानक हुए बीमार। मोदी बोले भारत 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है, एक्टिविटी शेयर जारी कर फंड जुटाएगी SpiceJet, ECS 2024 में दिखी दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट TV। दिल्ली के कई इलाकों में सर्दी और शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है, दिल्ली में इस सीजन का सबसे ज्यादा ठंड कल थी, सुबह के समय न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फीली हवाओं का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा 3 दिन तक मुश्किल में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा दाव चला कि इसके मायने समझने में सर्दी में कांग्रेस की पसीने छूटने दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी नीतीश के इस दाव से हैरान रह गए। दरअसल इंडिया गठबंधन की शनिवार को मीटिंग थी, इस मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे इनकार कर दिया और इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम आगे रख दिया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तथा प्राण प्रतिष्ठा से देश के 74% मुसलमान खुश हैं, साथ ही 70% मुसलमानों को मोदी सरकार पे भरोसा है। सर्वे के दौरान अनगिनत मुसलमानों ने दिल खोलकर जय श्री राम कहा, 26% मुसलमानों ने मोदी सरकार पर अविश्वास जताया, वहीं धार्मिक कट्टरपंथी की बात की। इस सर्वे में करीबन 5 लाख मुसलमान शामिल थे। मालदीव में मेयर का चुनाव, हारी मेजू की पार्टी भारत समर्थक कैंडिडेट जीते, चीन से लौटे राष्ट्रपति ने कहा था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, उसके बाद मेजू के पार्टी के 3 मंत्री हुए सस्पेंड। सिटी रिसर्चर ने आने वाले 2 सालों के लिए कच्चे तेल की कीमतों की भविष्यवाणी की है, साल 2024 में कच्चे तेल की कीमत $74 प्रति बैरल तक हो सकती है। बैंक का अनुमान है कि साल 2025 में कच्चे तेल की दाम की औसत $60 प्रति बैरल पर आ सकती है। जानकारों का कहना है कि साल 2025 में पेट्रोल के दाम में 20 रुपए की कटौती हो सकती है, जिसके बाद पेट्रोल 100 से 80 रुपए तक बिक सकती है। अमेरिका में AI ट्रेनर वाला जिम खुला, दीवार पर लगे सेंसर वर्कआउट को ट्रैक करेंगे, बोलकर फीडबैक देंगे। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे सोलर अल्ट्रा वाइड इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची है। कैद करने के लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र की सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारियों में मरीजों के लिए तैयार होने का निर्देश दिया है। बच्चों में इसका असर सबसे ज्यादा है, राजस्थान, हरियाणा सहित 6 राज्यों में इसका एडवर्टाइजरी जारी। उम्र बढ़ने के लिए चलने की तुलना में दौड़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। साल 2011 में ताइवान के शोधकर्ताओं ने 4 लाख से ज्यादा लोगों पर जोरदार व्यायाम और मध्यम व्यायाम अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि नियमित रूप से 5 मिनट की दौड़ लगाने से लोगों की जीवन में 15 मिनट की सैर करने के बराबर होता है। रोज 25 मिनट की दौड़ लगाने से 8 साल तक की मौत का जोखिम 35% कम हो जाती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंच रहे हैं भालू, घटना को चमत्कार से जोड़ रहे हैं लोग। अयोध्या में राम मंदिर का भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की धूम हर तरफ फैली हुई है, हर कोई रामलला के अपने अपने अंदाज में स्वागत कर रहा है। इसी बीच यूपी के इटवा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है
जो चर्चाओं में आ गई है। दरअसल यहाँ मुस्लिम महिलाएं दीप वितरित कर रही हैं। मुस्लिम महिलाएं घर घर जाकर लोगों को दिए दे रही हैं। सभी मुस्लिम महिलाएं मुस्लिमों के घर में भी जाकर दिए बांट रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता।